तो बाजी खोता दुखी करियो आया अभी ये दिन पहले कुछ करीबूर ऐसे तो कुछ इतना कहने में बचन सोन मार्किस उस लेवल में है हाँ कि जब हम इसको किताब हमारे उधर ही अपने सपने देखना स्टार्ट करें ये पटक ना जाए ये किस को चला सा हम हो गए हैं बेसिकली अच्छे भी लैंड लोग मिट आजम वे रहे सिर्फ बच्चे चीन खराब की मेरे जितने भी बच्चे किया गया उस बार हम कहते हैं कि कुछ भी खूबसूरत है तो आजकल जो हमारे समाज में जो कत्लोगारत हो रही है बताइए क्या हमें शर्मसार नहीं होना चाहिए उस पे ये हमारा समाज है जहाँ पे जो अस्सलाम वालेकुम मैं सरपंच हूँ श्रीवारपुरा मोहम्मद शबीर मेरा नाम है सर। आज ये प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था सेव यूथ सेव फ्यूचर। जब हमारा यूथ सेफ होगा तो तब ही हमारा फ्यूचर ही उनका सेफ होगा। सर इनके यूथ के जो हमारा यूथ है यहाँ पर सर इनको एडमिट करने के लिए 29th RR ने जो यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था सर बहुत फ़ायदेमंद था मुफीद था अपने यूथ को एडमिट करने के लिए अपने यूथ को अपने फ्यूचर संवारने के लिए और उनको अपनी जो है यहाँ पर डेवलपमेंट के अपनी डेवलपमेंट देखने के लिए अंतिम भारत स्वस्थ भारत बनाने के लिए अंतिम निर्भर भारत बनाने के लिए स्वस्थ भारत बनाने के लिए जो यहाँ पर आज प्रोग्राम हो गया था आज डेवलपमेंट पिछले जो 80 दशक में था आज से वो बहुत दोगुना तब्दील हो गया सर। यहाँ इतनी डेवलपमेंट हो गई पीछे मतलब 1980 में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी डेवलपमेंट आज है सर। बाकी ये जो ऐसे प्रोग्राम है आइंदा भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि ये जो यूथ है सर ये अपने आप को संवारे अपने आप में एक अपने फ्यूचर को ताबनाक बनाने के लिए आगे आए। यहाँ पर यूथ बैठा हुआ था बहुत खुश हुए थे और बहुत एग्रीमेंट किया गया उनको वो तो अपने यूथ अपने फ्यूचर बनाने में बहुत सक्षम होंगे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आइंदा अगर भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम होंगे वो तो इससे बहुत फ़ायदा मुफीद मतलब फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को संवारेंगे। प्रोग्राम के हवाले से यह कहते हैं जो यहाँ बुलाया 29 RR ने पटन में यह बहुत हौसला मंद है। इससे हमारे जहन जो है दबाव हुए हैं 30 साल आज की बात नहीं 30 साल से इनसे और भी इन्होंने इससे पहले प्रोग्राम किए और आगे भी करना चाहिए इनको ये प्रोग्राम। लोग थोड़ा सुकून में आते हैं और नज़र आते हैं हमें क्या करना है आगे हमें जो बच्चे हैं फ्यूचर है हमारे उनको हमें कैसी तालीम देनी है कैसी चलना है कैसा पढ़ाई करनी है और क्या करना है इससे हौसला अफजाई होती है हमने और आगे भी इनको ये करना चाहिए ये प्रोग्राम चलानी चाहिए। लोगों जो नौजवान हैं हमारे ना उनकी जहन भी दबा हुआ है जब यहाँ वो आते हैं ना वो सुनने के लिए उनको भी जहन ज़रा होशियार होता कहते हैं नहीं ये मारने वाले नहीं है बचाने वाले तो ऊपर है या हमारे साथ ही है तब तक इनको जब ये पता नहीं होता तो लग